हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? तो ये वाला वीडियो सफाई का मेरे को बहुत पहले से डालना चाहिए था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लग गया था और मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई ये वाला, क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इतना ज़्यादा कोल्ड था। तो मैंने अपने सोफ़े की डीप क्लीनिंग करी थी, इस पूरे रूम की जो हमारा ड्राॅइंग रूम है। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ एक से एक के बाद एक चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन कर नहीं पाई। तो ये गद्दियाँ जो थी इसकी मैंने बाहर निकाल दी, और ये सोफ़े को मैंने सोचा आज धूप भी बरसातों के बाद थोड़ा धूप लगवा दूंगी। तो ये मैं खुद ही ले जा रही थी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए थे, कोई घर में था नहीं, तो मेरे को खुद ही लगा कि मुझे खुद ही करना चाहिए। इन बिटवीन एक मेरा पार्सल भी आ गया, ये जो होता है कोरियर से, और ये था मेरे चश्मे का जो चेन होती है ना, वो होती है, क्योंकि मैं मेरे को पास का जैसे रीडिंग के लिए या उसके लिए क्या कहते हैं कि मोबाइल में जो देखती हूँ तो मेरे को आईज़ में थोड़ा पेन होता है। तो मेरी बेटी ने ये चेन मंगाई मेरे को, वो बोलते ना वही अष्टमी के लिए, उसने मेरे को ये गिफ्ट दिया, बहुत अच्छा है, सुंदर है, अपने आप ही उसने चूज़ किया और अपने आप ही उसने अमेजोन पे लगा दिया, तो बहुत अच्छा है। और ये नेल्स जो आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये भी उसी ने करा है, लेकिन बहुत ही तकलीफ़ होती है हाँ काम करने में, मेरे को तो आदत ही नहीं है, मेरे तो छोटे छोटे नेल्स ही हैं, लेकिन ठीक था एक दो दिन के लिए, मैंने कहा चल लगा लेती हूँ, बेटी ने लगाया तो शौक भी पूरा हो गया और बेटी के चॉइस के हिसाब से भी चल गई मैं। तो अच्छा लगता है कि बच्चे इस तरीके से गिफ्ट लाएँ। फिर से दोबारा सफाई के लिए मैं बाहर ये देखिए आ गई। तो मैंने क्या किया कि ये जो गद्दियाँ हैं इनके ना, ये जो वेलवेट का कवर मैंने खुद सिलवाया था टेलर को घर में बुलाकर, और इससे क्या होता है कि जब आप वॉशेबल होती है तो जब आप निकाल लो और उसको धो लो, उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इसकी क्लीनिंग। पहले मैंने इसको झाड़ू से पूरा इसका थोड़ा बहुत जो भी डस्टिंग लगा हुआ था वो हटाया इसका सोफ़े का। तो ऐसे इस तरीके से तो हमेशा साफ़ ही रहते हैं, बट ये था कि थोड़ा सा मॉइस्चर हो जाता है ना बारिशों में, तो वो हटाने के लिए मैंने कहा पूरा थोड़ा सा धूप सी भी लग जाएगी और हल्की सी सफाई भी हो जाएगी। और तो मैंने पहले इसको झाड़ू से साफ़ किया, उसके बाद मैंने कपड़े से जो इसके अंदर ये मिट्टी फंस जाती है ना इसको किया। फिर उसके बाद हम घर में क्या करते हैं कि सबसे नीचे का जो पोर्शन होता है उसको तो हम साफ़ ही नहीं कर पाते हैं। तो मैंने सोचा आज बाहर हूँ, लेकिन कोई घर में था नहीं, और फिर बाहर ना ट्राइपॉड वगैरह लगाना अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रही थी। ये देखिए मैंने फिर इसको पीछे पलट दिया। अब नीचे की साइड में हम लोग कभी साफ़ नहीं कर पाते हैं, तो मैंने क्या किया ब्रश लिया और ब्रश से इसके नीचे जो डस्ट और ये जो जाले वाले छोटे छोटे लगे थे इनको इस वाले ब्रश से साफ़ किया। अब इस छोटे से ब्रश से ना वो मिट्टी विट्टी साफ़ करेंगे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है साइडों की, जो कोने की होती है कॉर्नर्स की। तो मैं हमेशा कभी भी डस्टिंग करने के लिए जहाँ से डस्ट निकालनी होती है ना इस चीज़ को यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी अगर कोई करता हो तो बताइएगा, या मैं तो यही यूज़ करती हूँ। तो आज तो मेरी आवाज़ भी निकल रही है, पहले तो मेरी आवाज़ भी निकल रही थी। तो वैसे दिवाली में कहते हैं ना कि वो सजा दो घर को दुल्हन सा मेरे सरकार आए हैं। तो मैं ये दिखा रही थी कि हमारे जो ये सरकारी आवास है इसका आपकी दीवारें इतनी ऊंची ऊंची कि ये सीढ़ी लाए थे हम लोग, 7 फुट की सीढ़ी है, और 7 फुट की सीढ़ी के बाद भी इतना ऊंचा इसका ऊपर का देखिए फ़ैन देखिए। तो जब मैं फ़ैन साफ़ कर रही थी, मैंने साफ़ कर दिया था चढ़ के, कितनी मुश्किल हुई मेरे को इस सीढ़ी के बाद भी अकेले साफ़ करने में। तो वही सरकारी आवास का, ये जो पहले के घर बने हुए हैं इतने मजबूत और इतने बढ़िया, तो इस तरीके से घर सज गया है। मैं सोची थी एक के बाद एक वीडियो पूरी तरह से लाऊंगी, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने सारा ही कवर कर लिया, क्योंकि तो ये सुंदर सी मैंने इस तरीके से ये लगा दिया था दिए, बहुत अच्छा लग रहा था ये दिए वाला, और ऐसे रूम सज गया था। दिवाली मनाई थी, दिवाली सबको मनानी चाहिए, खुशियों का त्यौहार है, सब खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, और जो भी काम करें दिल से करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और ये बाहर का है, ये एज़ यूज़ुअल पारुल ने रंगोली बनाई, जब से ये बड़ी हुई है यही बनाती है, और बाहर की जो डेकोरेशन है ये भी इसने करी। हमारे इस घर की ये सरकारी आवास की अंतिम दिवाली है, और इसलिए हमने अच्छे से मनाई, क्योंकि फिर अब हमको अपने घर में ही जाना होगा। तो आप सब लोग को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं, सबने अच्छी मनाई होगी, जब ये वीडियो जाएगा तब तक दिवाली हो चुकी होगी। तो आप लोग इस तरह से सब खुश रहें और हैप्पी दिवाली, और मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।